नमस्कार, मीडिया नई सुबह में आपका स्वागत है। मैं अंकिता जोशी आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ खास खबरें। आइए कुछ नजरें डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आइए रूबरू कराते हैं हम आपको प्रशासन की लापरवाहियों पर। ऐसा ही कुछ मामला आया है तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से, जहां पर कृषि उपज मंडी नरसिंहगढ़ में हो रही है काफी भ्रष्टाचार की। लंबे समय से चली आ रही कार्यवाही पर अभी तक कोई भी खास कार्यवाही नहीं हुई, जहां तक कि अखिलेश शर्मा और देवेंद्र नामदेव को केवल नाम के लिए सागर और ब्यावरा भेजा गया। लेकिन अभी एक नया नाम उभरता नजर आया है जिस पर कोई भी कार्यवाही प्रशासन द्वारा नहीं की गई। जो नाम है वो है दौलत यादव। दौलत यादव नामक कर्मचारी के ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, जबकि अखिलेश शर्मा और देवेंद्र नामदेव के साथ में इसका पूरा हाथ था। लेकिन प्रशासन इसमें चुप्पी साधे हुए है, जबकि प्रशासन को FIR तक दर्ज करा देनी चाहिए। ना ही प्रशासन द्वारा कड़ी कार्यवाही की जा रही है, ना ही इस ओर कोई ध्यान दिया जा रहा है, जबकि कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किया गया था कि उक्त आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी कदम प्रशासन ने नहीं उठाया है। आइए हम कुछ नजर डालते हैं उन दस्तावेजों पर जो भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार करने के बाद में सबूत छोड़े, लेकिन वहां का प्रशासन इतना नाकाम है, इतना मजबूर है कि अभी तक उन मुजरिमों पर कोई कार्यवाही नहीं करवा पाया। यह है असली रेट का मूल्यांकन। ये अधिकारियों के हस्ताक्षर के बिना किए गए जारी बिल, अधिकारी द्वारा दिया गया पत्र,